छतरपुर जिले के नारायणपुरा गांव में बोरवेल में गिरे 5 साल के दीपेंद्र यादव को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। करीब 7 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दीपेंद्र को सुरक्षित निकाला गया। फिलहाल उसे डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। वहीं बेटे को बचाने पर परिजन, रेस्क्यू टीम और प्रशासन को धन्यवाद उन्होंने किया। दरअसल नारायणपुरा के रहने वाले अखिलेश यादव का 5 साल का बेटा दीपेंद्र यादव अपने खेत में खेल रहा था, जहाँ पर वो खेल तो रहा था लेकिन बोरवेल वहाँ पर बना हुआ था। परिवार के अनुसार बोरवेल चीफ से ढका हुआ था, मगर दीपेंद्र खेलते खेलते बोरवेल के अंदर चला गया। आपको बता दें कि एसडीआरएफ की 15 सदस्यीय और सेना की 12 सदस्यीय टीम ने करीब 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दीपेंद्र को सकुशल बाहर निकाला। इस दौरान 6 थाने की पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। दीपेंद्र करीब 25 फीट की गहराई में फंसा था। इस दौरान उसे ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उसे ऑक्सीजन भी दी गई और उसे सुरक्षित बाहर भी निकाला गया। तो हाथ ऊपर कर लिए, बहुत ही साहस का परिचय दिया, ईश्वर से सब दुआएं कर रहे थे, बच्चा सही सलामत निकला। मैं प्रशासन की टीम को, रेस्क्यू करने वाले जो भी हमारे कर्मचारी थे उनको हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। उन लोगों ने बहुत मेहनत की और सबकी दुआएं काम आई, दीपेंद्र सुरक्षित निकला। इसमें पहले भी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एडवाइजरी जारी की गई है कि कभी भी बोरवेल को आप खुला ना छोड़ें। और यहाँ पर भी देखा जाए, इस बोरवेल की जो डेप्थ थी 150 फीट की, 150 फीट बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारी किस्मत थी कि बच्चा लगभग 30 से 40 फीट में फंसा था। ये जो एडहॉक व्यवस्था थी, रस्सी से खींचने वाली थी, बहुत ज़्यादा रिस्की भी थी, पर कैलकुलेटेड वे में इसको किया गया, जिसका हमें आज यहाँ रिजल्ट मिला और शॉर्टेस्ट टाइम में कितने डीप से हमने बच्चे को सेफली निकाला। तो दीपेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में अभी ये बच्चा है जो कि बोरवेल में फंस गया था। आपको बताएं कि ये 25 फीट नीचे बोरवेल में फंसा हुआ था, जो कि खेलते खेलते ये हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद पूरी टीम यहां पर लगी रही और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया। दरअसल इस बच्चे को रस्सी के सहारे निकाला गया, रस्सी के जरिए बच्चा सकुशल बाहर निकला। बोरवेल में फंसे दीपेंद्र का रेस्क्यू हुआ। सीएम शिवराज ने दीपेंद्र की मां से बातचीत की, दीपेंद्र को नवजीवन की शुभकामनाएं दी। वहीं कहा कि बड़े होकर अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करें दीपेंद्र। तो बोरवेल में फंसे दीपेंद्र का रेस्क्यू हो गया, सुरक्षित उसको बाहर निकाला गया और बाहर निकलने के बाद उसको डॉक्टर्स की निगरानी में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां अभी फिलहाल वो डॉक्टर्स की निगरानी में है, उसके स्वास्थ्य चेकअप जो है वो हो रहा है। दीपेंद्र को नवजीवन की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी और साथ ही ये भी कहा कि आने वाले समय में वो देश का नाम रोशन करें और साथ ही अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें।